नमस्कार। मैं आत्मजीत सिंह, भारतीय किसान यूनियन, असली अराजनैतिक संगठन का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। और आज किसान आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। कुछ 2 दिन की घटनाएं ऐसी हैं जिस पे चर्चा होनी आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो निहंग सिखों का मामला है सिंघू बॉर्डर पर, उससे मुतालिक कुछ बातें करूंगा। और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की क्या रणनीति है किसान आंदोलन को लेकर, उस पर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी। पहले हम सरकार का रवैया क्लियर कर लें कि सरकार कहती है कि किसानों की मांगों को लेकर संवेदनशील है। और आप ही बताइए, 30,000 रुपए लेकर लखबीर सिंह नाम का एक शख्स जो किसी गांव चीमा कलान तरन तारण डिस्ट्रिक्ट से 30,000 रुपए देके उसको लाया जाता है, और उसको जो सिंघों का, निहंग सिंघों का जो एक धार्मिक ग्रंथ है जिसको सर्वलोक कहते हैं, और उसका बेअदबी करता है और वहां बैठ के बीड़ी पीता है, उनको उकसाता है, जिसके एवज में जो निहंग करते हैं वो एसकेएम ने उसकी निंदा की है कि कोई भी हिंसा या कोई भी हत्या एसकेएम उसकी पक्षधार नहीं है। पर एसकेएम ये भी बताना चाहती है अपने द्वारा, आप सबके माध्यम से, कि जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, इसमें जरूर ही कोई षड्यंत्र है और सरकार की इसमें कोई साजिश है, जिसमें ये आंदोलन को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। तो यह मामला दलित, अभी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था टीवी पर, एक करनी सेना के स्वयंभू अध्यक्ष हैं जिनका नाम है सूरज पाल सिंह अम्मू। इनकी हिस्ट्री ये है कि हरियाणा में कई किसान पंचायतों के नाम पर इन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। एक लड़का नू में, एक लड़का अपने घर से दवा लेने जा रहा था, मुसलमान लड़का था, उसकी हत्या कर दी गई और उसको जायज ठहराकर जो भी 4 नामजद लोग थे उनको छुड़वाने के लिए इन्होंने एक पंचायत की वहां पे, किसानों के नाम से बदनाम करके उसको पंचायत का नाम दिया गया और उन 4 हत्या के दोषियों को छोड़ने का सरकार पे जोर डाला गया। हम लोगों ने वहां मीटिंग करी नू में, 3-4 महीने पहले की बात है, और उसमें हमने पुरजोर विरोध किया कि ये सूरज पाल सिंह अम्मू नाम का करनी सेना का जो भी अपने आप को स्वयंभू अध्यक्ष बोलता है और बीजेपी का प्रवक्ता भी बताया जाता है, उसको बाद में बीजेपी में भी शामिल कर लिया गया, तो उसका क्या औचित्य है ये सब बातें करने का। उसी ने ये सवाल पूछा कि क्या वो दलित को मारा गया। अब आप ही बताइए, क्या ये सवाल ठीक है? इसमें दलित और सिख और हिंदू की बात कहाँ से आई? एक आदमी को नशे में यहाँ लाया गया, उससे कुछ गलत काम करवाए गए, उसके एवज में निहंगों को भड़काया गया। निहंग सिंहों को की हिस्ट्री अगर जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि अगर उनको गुरु ग्रंथ साहब के नाम पे या उनके सर्वलोक पाठ के नाम पे भड़काया जाएगा तो शस्त्र और अस्त्र धारण करके रहते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी वारदात हो जाएगी। इस वारदात को करवाया गया, ये वारदात अपने आप से नहीं हुई। तो ये जिस तरीके का प्रोपोगेंडा सरकार फैला रही है, हिंदू मुस्लिम करके, दलित सिख करके आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश कर रही है, सिख बनाम हिंदू, नक्सली, खालिस्तानी, इस सबसे सरकार को अब परे हट जाना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन ने सत्य व्याख्या कर दी है। पब्लिक को सब समझ में आ गया है, लोगों को सब समझ में आ गया है कि किसान जो है अपनी जीविका का हक मांगने आए हैं, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कानून बनाने की बात कर रहे हैं जिसका नाम ही न्यूनतम मूल्य है। सबसे कम मूल्य अगर सरकार किसानों को मुहैया नहीं करा सकती तो फिर वो क्या करा सकती है, ये प्रश्न चिन्ह सरकार पे खड़ा हो जाता है। कल एक और घटना हुई, कल मैं देख रहा था पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि उनकी आज 27/10/2021, आज के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तय की गई एक मीटिंग, और उस मीटिंग में किसानों के मुद्दों को लेकर और किसानों के 3 कानूनों की वापसी को लेकर और एमएसपी भी कानून बनाने को लेकर चर्चा होनी थी। पर आज गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ से सुबह बयान आ जाता है कि वो गुजरात चले गए हैं और ये मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। जो भी घटना रही, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन सब बातों से ये उजागर होता है कि सरकार किसानों के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी की गारंटी को लेकर संजीदा नहीं है, वचनबद्ध नहीं है। इस बात से यही उजागर होता है। छोटी सी घटना है पर इससे काफी कुछ हिंट हम लोगों को मिल जाती है। एक और बहुत बड़ी चीज हुई, लखीमपुर हत्याकांड मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी,
जिन पर 120 बी षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज है और उनके पुत्र आशीष मिश्रा मोनू मिश्रा जिनके ऊपर 4 किसानों और एक मीडिया कर्मी रमन की हत्या का मुकदमा दर्ज है, रमन कश्यप की, उनके 14 आदमी पकड़े जाते हैं लेकिन सिर्फ 4 की ही गवाही 164 के अंतर्गत आईपीसी के अंतर्गत कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने कराई जाती है। अभी 10 जो जेल में बंद हैं उनकी गवाहियां कितनी हो गई, कितनी बाकी हैं, यह भी देखना पड़ेगा। 68 सुप्रीम कोर्ट में हरीश सालवे जी ने हलफनामा दाखिल किया जिसमें खाली 68 आई विटनेसेस बताए गए हैं जबकि हजारों की संख्या में वहां किसान मौजूद थे, अगर हजार ना भी हो तो सैकड़ों की संख्या में तो थे ही, तो सिर्फ 68 ही आई विटनेस क्यों पाए गए, उसमें सिर्फ खाली 33 का बयान हुआ है। तो कहीं ना कहीं विटनेसेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको वो धमकाया जा रहा है और किसान आंदोलन से जुड़े सारे किसान यूनियन के लोग यही संयुक्त किसान मोर्चा के जरिए सरकार से कहना चाहते हैं कि विटनेसेस को प्रोटेक्शन दी जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बयान जो है वो लिए जाएं। इसमें एक चीज और हो गई कि जो इनका हमारा जो 4 किसानों का जो कातिल था इसके खिलाफ FIR हुई थी उसी ने काउंटर FIR कर दी शुभम जायसवाल ने और 6 लोगों को उसमें नामजद बताया गया जिसमें 2 लोगों को जो आई विटनेस अकाउंट देने गए थे उनको वहां धर लिया गया, पकड़ लिया गया, उसमें 75 सिंह है, गुरविंदर सिंह है। अब आप ही बताइए कि अगर इन आई विटनेसेस के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो कौन लोग सामने, ये तो बहुत सीमांत किसान छोटे किसान है, कैसे वो आके गवाहियां देते हैं, अपने घरों से निकल के अपने बीवी बच्चों को घर पे छोड़ के, अपने बूढ़े माता पिता को घर पे छोड़ के, अपने भाई बहनों का को घर पे छोड़ के जब ये निकलते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि अगला कदम अगला इनके साथ क्या होने वाला है। तो सरकार को इन चीजों को सीरियसली लेना चाहिए। मृतक जो 3 मृतक पाए गए थे जो हुए थे जो आरोपियों के साथ आए थे उनमें जो 3 आदमी हैं श्याम सुंदर, शुभम मिश्रा और ड्राइवर हरिओम मिश्रा, इनकी मौत कथित तौर पर किसानों द्वारा की गई है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो जब तक इसकी पुष्टि ना हो जाए कि उनकी मौत कैसे हुई तब तक ऐसे लोगों को, किसान जो चश्मदीद गवाह हैं जो वहाँ आई विटनेसेस हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई ठोस सबूत है तो SIT उस ठोस सबूत को उजागर करे, बताए। और काउंटर FIR की जहां तक बात है बड़ा क्लियरली कहा गया था कि ये किसानों के ऊपर संयोजित तरीके से किया गया हमला है और इसमें प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि काउंटर FIR किसानों पर नहीं होगी, पर ये सब बात कहने के बावजूद, समझौता होने के बावजूद अगर काउंटर FIR हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की विफलता पारदर्शी होती है। तो इस पे जांच जरूर होनी चाहिए और हमारी डिमांड ये है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT एक न्यायाधीश के अंडर की जाए जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और निहंग वाले केस में भी हमने डिमांड की है कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंडर SIT के थ्रू जांच की जाए निहंग मामले की भी, ताकि उसके नाम पर धार्मिक उन्माद ना फैलाया जाए। कल एक घटना और हुई। एक संगठन है जिसका नाम है हिंद मजदूर किसान समिति, जो भाजपा का एक संगठन बताया जा रहा है, उसमें 25 रुपए गन्ना बढ़ने के रेट पर कई जगह पोस्टर लगाए गए कि मोदी जी का धन्यवाद और योगी जी का धन्यवाद। तो जाहिर तौर से बात है संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं उसके सदस्य हैं, और एक नाम और स्पष्ट रूप से निकल के आ रहा है कोई चंद्र प्रकाश नाम के कोई आदमी है जो उसमें जनेऊ धारी अपने आप को बताते हैं और ये शुद्धिकरण और हवन कराने के लिए सिंगू बॉर्डर पर निकले और दिल्ली पुलिस ने उनको रोका और लाठीचार्ज भी हुआ और झड़प भी हुई। तो ये इस तरह के संगठन जो जिसने पूर्व में कृषि कानूनों के समर्थन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात भी कर चुके हैं ये लोग, उस संगठन के सोशल मीडिया पेज पर अगर आप जानकारी देखेंगे तो उसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हिंद मजदूर किसान समिति के पदाधिकारी हैं। तो मिनिस्टर खुद ही पदाधिकारी हैं और SKM ने भी इसका संज्ञान लिया है और कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को परेशान करने की एक और हत्याश प्रयास के रूप में है। SKM ने मोर्चा स्थलों पर शांति भंग करने के लिए भाजपा RSS और उसकी जुड़ी संस्थाओं के प्रयास की निंदा की और उन्हें इस तरह के प्रयासों से दूर रखने की चेतावनी दी कि आप इस तरह के काम ना करें, इस जगह को बदनाम ना करें। और SKM ने फिर एक बार मांग की है कि सुखबीर सिंह की बर्बर हत्या की पूरी घटना जांच सुप्रीम कोर्ट की एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको कहा। और SKM ने कहा है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उस पर हमला करने के लिए साजिश तभी सार्वजनिक होगी अगर उसकी इंक्वायरी ठीक से होती है। और जिस तरीके की ये विश्व शांति का बयान जन क्रांति से ही संभव है, इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं
वो दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन को धार्मिक रंग देने के लिए भाजपा आईटी सेल मशीनरी काम कर रही है। मुजफ्फरनगर से सिंघू सीमा पर कल आने की घोषणा करने वाले चंद्र मोहन, इनका मेरठ राजमार्ग पे बहुत भव्य स्वागत किया गया, काफी देर जाम लगा रहा। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये एसकेएम जो है सरकार से मांग करती है। और आज एक बहुत कल एक और बहुत दुखद घटना घटी हमारे टीकरी पर। एक दुर्घटना में एक ट्रक जो है वो 6 महिलाएं वेट कर रही थी अपनी, बहादुरगढ़ उनको जाना था, वो अपनी गाड़ी की वेट कर रही थी, फुटपाथ पे बैठी थी, तो एक ट्रक फुटपाथ पे चढ़ गया जिसमें 3 हमारी महिला किसान कर्मियों की वहां पे मौके पे ही मृत्यु हो गई और 3 किसानों को महिला किसानों को जो है वो अस्पताल पहुंचा गया, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और PGIMS रोहतक में उनको एडमिट कराया गया। इस हादसे में मानसा जिले के अमरजीत कौर, गुरमेल कौर और सुखविंदर कौर की जान चली गई है और एक गुरमेल कौर और हरमीत कौर बहुत सीरियस घायल हो गई हैं। तो हम लोग परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आज एक और घटना हुई जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह पंजाब के एक खरड़ जिले, मोहाली जिले में खरड़ एक स्थान है, वहां पे एक विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए उनका हेलीकॉप्टर जाना था पर किसानों के विरोध के कारण उनका उनका रास्ता बंद कर दिया गया बाय रोड भी और बाय एयर भी। और इस कार्यक्रम में श्री राजनाथ सिंह के विरोध में बड़ी संख्या में किसान एकत्र हुए जिसके बाद विश्वविद्यालय ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और प्रदर्शन कर रहे किसानों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी भी मांगी गई। तो ये सब चीजें हुई कल और आज में। तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार किसान आंदोलन की बढ़ती हुई ताकत को देखकर घबराई हुई है और आंदोलन समर्थकों को परेशान करने और डराने की कोशिश भी कर रही है, जैसे कि मैंने आपको 2 इंसिडेंट बताए। एनआरआई समर्थकों, अच्छा एनआरआई और ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो हैं, जो किसान समर्थन में उतरे, उनके साथ भी उनके वीजा को भारत सरकार द्वारा रद्द करवाए जाने की कोई पहल शुरू हो गई है। सरकार सिर्फ किसान समर्थकों को तंग करने के लिए एक और साजिश रच रही है। भारत सरकार ने किसान आंदोलन के कई एनआरआई समर्थकों के ओसीआई, जो प्रवासी नागरिक हैं जिनको ओसीआई कार्ड दिया जाता है, और दीर्घकालिक वीजा रद्द कर दिया है, मतलब कि जिनको लॉन्ग टर्म ओसीआई कार्ड और वीजा दिया हुआ था और वो सब किसान समर्थन में कहीं ना कहीं किसानों के साथ थे, उनके वीजा रद्द कर दिए गए, उनके ओसीआई कार्ड वापस ले लिए गए। तो ये कहीं एक इसको भारत की सरकार भारत विरोधी गतिविधि कहेगी या किसानों के संदर्भ में इसकी कोई वो बात कहेगी, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाता है कि इसका फॉरेन कंट्री में और वहां के प्रवासी भारतीयों में क्या मैसेज जा रहा है। क्या एक स्पेसिफिक समुदाय के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है या पंजाबी सूबे या हरियाणा सूबे के जाट लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा भारत की इस कार्रवाई की भरसक निंदा करता है और साफ करता है कि ऐसी प्रक्रिया केवल भारत सरकार को दुनिया के सामने गलत ठहराती है। एसकेएम की मांग है कि सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका से दर्शन सिंह धालीवाल जैसे समर्थकों के निर्वासन के मामले सहित अपने अलोकतांत्रिक और सत्तावादी कार्यों को बंद करे। एक दर्शन सिंह धालीवाल किसान समर्थक थे जो अपने ट्रैवल प्लान से शिकागो से यहाँ आए, उनको जो है इमिग्रेशन से ही वापस भेज दिया गया, उनको दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया। तो उसका संज्ञान भी हम लोगों ने लिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में एक फर्जी शिकायत कर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुरविंदर सिंह और विचित्र सिंह, 2 हमारे किसान भाइयों को गिरफ्तार किया है और 4 के खिलाफ एक कंप्लेंट और लिखी हुई है, टोटल 6 लोगों को नामजद किया है उस काउंटर FIR में। इन दोनों प्रदर्शनकारियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है धारा 147, 323, 324, 336 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो मामला तो 302 का अजय मिश्रा मोनू टैनी पे था, आशीष मिश्रा मोनू पे था और ये अब मर्डर काउंटर FIR में 2 किसानों के खिलाफ कर दिया गया है। तो हम लोगों को ये भी देखना है कि ये सब किस लिए हो रहा है और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। और सरकार जब भी कहती है हम वार्ता करने को तैयार हैं, जो आदमी पहल करना चाहता है उस वार्ता की, उससे वो वार्ता की लेती जाती, वे वार्ता नहीं की जाती। आपने एक सत्यपाल मलिक गवर्नर जी का भी इंटरव्यू सुना होगा जिसमें सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों के बारे में
संवेदनशील होना पड़ेगा अमित शाह और मोदी जी को, और जल्द ही कोई फैसला लेना पड़ेगा। गुजरात के सीएम रहते जब उन्होंने एमएसपी की मांग की थी केंद्र की सरकार यूपीए की सरकार से, तो आज वो खुद प्रधानमंत्री हैं, तो वो ये क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इन सब ज्वलंत मुद्दों पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, और मैं मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों को अपने स्रोतों की रक्षा करने का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए, और जिस तरह का काम हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं यहाँ पे, उस पर पब्लिक का, सरकार का, हमारी पब्लिक जो है वो सब देख रही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप सबको चाहिए कि किसानों के आंदोलन में आप जुड़ें, ये आप लोगों का भी आंदोलन है, ये आप लोगों की भी लड़ाई है, और इसी से हम इस लड़ाई को जीतेंगे। और आगे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे अगली दफा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय किसान जय जवान। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।